गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं। बस नवनिया को लेके जा रही हूँ स्कूल। मैं रात को ढंग से सोई भी नहीं, मुझे लगा लेट ना हो जाए इसलिए नींद ही नहीं आ रही थी। तो टैक्सी से जाना है ना, इसलिए टाइम से निकलना है। तो मिल गई टैक्सी, जा रहे हैं। मैं आ गई नवनिया को छोड़ के, और पता नहीं क्या हुआ आज, जबकि मैं इतनी बार करीम से टैक्सी बुक करती हूँ नवनिया को लाने के लिए, छोड़ने के लिए बहुत बार गई हूँ, और ऐसे भी टैक्सी बुक किया है बहुत बार, तो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब दूसरी टैक्सी आई हो। हमेशा जो टैक्सी यहाँ पे होती है वैसे, जैसे यहाँ पे टैक्सी चलती है वैसे ही आती है। अभी क्या हुआ कि मैंने बुक किया, लेक्सस आई, वो नीचे खड़ी थी उस तरफ, मुझे दिखी, क्योंकि मैं तो ऐसा टैक्सी एक्सपेक्ट कर रही थी जैसे टैक्सी आती है, मैं देख रही थी नंबर वैसा था ही नहीं। तो फिर वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे गाड़ियाँ होती है, टैक्सी टाइप नहीं अलग से जैसे होती है, वैसी गाड़ी थी वहाँ पे नॉर्मल नंबर प्लेट के साथ। तो उन्होंने फिर हॉर्न दिया, तो फिर मैं समझ गई कि अच्छा वो है। तो फिर मैं गई, तो मुझे डबल फेयर पे करना पड़ा, जितना यहाँ से जाने में स्कूल का लगता है उससे डबल। फिर आने के टाइम में मेरे साथ वही हुआ कि फिर से वही बुक हो गई, जबकि मैंने प्रॉपर जैसे मैं बुक करती हूँ हमेशा टैक्सी के ऑप्शन पे जाके, जो नॉर्मल टैक्सी होती है वो बुक करना, वही मैंने किया। फिर भी पता नहीं, आने के टाइम पे और जाने के टाइम में, दोनों टाइम में मेरे साथ यही हुआ कि लेक्सस बुक हो गई और मुझे डबल डबल पे करना पड़ा है दोनों टाइम में। इतने बार में मैं 4 बार चली जाती, उतना मैंने 2 बार में पे कर दिया है, उससे ज़्यादा ही कर दिया। तो पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, हर बार तो ऐसे ही बुक करती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ, इस बार कैसे हुआ पता ही नहीं। अभी क्या कर सकते हैं अभी, और अभी तो चलो ठीक है, इतनी गर्मी नहीं है सुबह के टाइम में, बट धूप तो अभी भी है, गर्मी तो है, बट दोपहर जब 2 बजे ना इतनी गर्मी होगी उस समय में तो टैक्सी मिलना मुश्किल है, ऑप्शन नहीं है आपको इसी से बुक करना, और इसी ऐप से बुक करने में भी तो भी बहुत लेट से आती है। ऐसे अगर आप बिना ऐप के टैक्सी के इंतजार में रहोगे तो अब तो मुश्किल ही है मिलना वहाँ पे, ये चीज़ है। सो आ गई मैंने अपनी आपको स्कूल से लेने, अभी धूप से इधर खड़ी हूँ, मतलब छांव में खड़ी हूँ, ताकि टैक्सी मिल जाए तो जल्दी से जाऊँ। टैक्सी बुक कर लिया मैंने, देखती हूँ कितने देर में आती है। बुक किया तो तुरंत आ गई टैक्सी, तब जा रहे हैं कार। बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। ये बेडशीट, ये ब्लैंकेट वगैरह जो लेके आई थी, तो ये देखिए, ये नव के बेड पर डाल दिया है, इसके साथ मैंने बोला ना सेट वाला ही मिला था, ये सब सेम ही प्रिंट है। तो ये है, अच्छा लग रहा है ये डालने के बाद। निया का बेडशीट ऐसा मिला, मतलब उसमें सेम नहीं मिला इस तरह का, ये अलग, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, जो मिला जितना मिला ठीक है। साइज़ देखिए इसकी, इतनी बड़ी साइज़ है कि 2 लोग इसमें आराम से सो सकते हैं। ये देखिए 2 लोग आ जाएंगे, इतनी बड़ी साइज़ है। 4 लोग आ जाएंगे? अच्छा 4 लोग आ जाएंगे। और तो ब्लैंकेट को फोल्ड किया हुआ है तो इसलिए वह छोटी दिख रही है, बट साइज़ इसकी इतनी बड़ी है। तो जो स्टिकर्स लेके आई हूँ वो अभी लगाऊंगी इसमें। तो डे टू डे से जो स्टिकर्स लाई थी ना, ये 3.99 के ऐसे पैकेट्स में है, ये सब, इसमें 3 पीस है, इसमें ज़्यादा है, तो ये सब अभी लगाएंगे। इसको लगा के निकालने से भी कोई नुकसान नहीं होता है, देखिए आसानी से ये निकल जाती है, देखिए कुछ भी ऐसा दाग वाग नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एक जो डैमेज था ना थोड़ा सा, तो मैंने उस पर लगा दिया है, एक तरफ मैंने लगा दिया है। एक स्टिकर ना 3-3 थे, मतलब ऐसे 3 ऐसे 3 ऐसा, तो इतने लगाने के बाद मैंने एक तरफ मैंने ये लगा दिया, आराम से निकाल निकाल के मैंने लगाया, फिर निकाला फिर लगाया, तो एकदम से ख़राब बेड नहीं हो रही है। इसको आप जब चाहो हटा सकते हो, जब चाहो चेंज कर सकते हो, एक तो बहुत कम प्राइस का। तो यहाँ लगा दिया और देखिए लगाने के बाद इतना बच गया। तो स्टिकर्स मैंने लगा दिए उधर नव के लिए, इधर निया के लिए। एक्चुअली निया के लिए जो मैंने पैकेट्स खरीदा था ना, उसमें ऐसे 3 ऐसे 3 ऐसे 3 ऐसे 3 और ऐसे 3 इतने ही थे, बट नव वाले में ना ये सारे 3-3 थे, तो निया वाले में कम थे, तो 2 लाइन नहीं बन सकते थे। तो ये जो मैं पहले लेके आई थी ना, वो एक जो मैंने उनका पेंट किया था फ्रूट्स वगैरह रखने वाला, उसमें लगाने के लिए, तो ये थे मेरे पास, तो मैंने ऐसे लगा दिया। कुछ तो लगाना था दूसरे लाइन में, नहीं तो अच्छा नहीं दिखता, इसीलिए ऐसा मैंने लगा दिया। और ये बहुत आसानी से लग भी जाते हैं, बहुत आसानी से हट भी जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब मन करेगा इसको हटा सकती हूँ। ये ऐसा दिख रहा है अभी, और मैंने एक यहाँ लगा दिया है, और एक मैंने यहाँ स्टडी टेबल पे जहाँ नाम है ना इसके ऊपर एक ये लगा दिया। 3 थे ना, तो एक बेड पे, एक उसके स्टेयर पे, एक यहाँ लगा दिया। सेम इसी तरह हनाया के नाम के ऊपर एक लगा दिया, वो बस।
अगर निया का भी मिल जाता ना कुछ इस तरह का, जैसे इसका गाड़ी का पूरा मिल गया ऐसा मिल जाता कुछ तो अच्छा रहता, बट नहीं मिला। अब जो है सो है, जब मन करेगा तब इसको हटा दूंगी। सो यही वाला एप्रन मैं बच्चों का लेके आई थी, देखिए इसका साइज काफी बड़ा है और हाथ में भी पूरा आ जाएगा, तो मतलब यूनिफॉर्म पे नहीं लगेगा कलर वगैरह। और इनके स्कूल में कल आर्ट एग्जीबिशन है तो पेंट वगैरह तो पहले ही दे दिया, तो वो सब रख लिया वहीं पे। अभी एप्रन लेके जाना था तो नब का भी ले लिया। वो जो पहले से था ना बहुत ही छोटा सा था, अभी नब को यहाँ पे हाथ में आ रहा था, छोटा सा था, तो ये 13 dirhams का मिला तो दोनों का लिया था ये। द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्कूल जाने का टाइम हो गया, 6 बज रहे सुबह के। नब उठ के गया, ब्रश वगैरह करेगा अभी और तैयार होगा। इसको थोड़ा उठने में टाइम लगता है। निया उठ जाओ बाबू, उठ जाओ निया, उठ जाओ। चलो ना, ब्रश करके आ गया, जाओ ना नहा लो। अब निया जा रही है, जाओ। पहले क्या करता है, इस रूम में जाता है, वॉशिंग मशीन वाले रूम में, वहाँ से वहाँ पे पहले ब्रश करता है, इस रूम में जाता है, कपड़े चेंज कर लेता है, फिर पूरा कपड़ा खोल देता है, रख देता है वो लॉन्ड्री बास्केट में, तब जाता है उस वॉशरूम में। बाथ टब में वो खड़ा होकर नहाता है, उसको उसी में अच्छा लगता है। ना हो गया, चलो लेट हो रहा, चलो निकलो जल्दी, बास्केट के अंदर रखना कपड़े, निकलो। तो नवनिया दोनों तैयार हो गए हैं और अभी टाइम बचा हुआ है, 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, 7 बजे हम लोग निकलेंगे। तो तैयार हो गए जल्दी से, मुझे ना ये रहता है कि लेट ना हो, बस जल्दी हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। सुबह उठती हूँ, पहले ब्रेकफास्ट रेडी करके मैं खुद तैयार हो जाती, तो मैं इन लोगों को उठाती हूँ, फिर ये लोग तैयार हो जाते हैं। अभी तो खुद से हो जाते हैं, थोड़ा बहुत बस हेल्प करना पड़ता है। नब तो पूरा खुद से हो जाता है, निया का ये ऊपर वाला बटन ना ऐसे इससे नहीं बंद होता, बाकी सब कर लेती है, और बाल झाड़ना पड़ता है मुझे बस। और बाकी क्रीम पाउडर दोनों खुद लगा लेते हैं, कपड़े पूरा पहन लेते हैं, शूज़ वगैरह ही पहन लेते हैं, बस इसका बाल झाड़ना है मुझे और ये बटन लगाना है, ये तो पूरा कर लेता है। बस टैक्सी बुक कर ली है, जा रहे हैं हम लोग नीचे। आज मैंने नॉर्मल टैक्सी बुक की, कल पता नहीं कैसे लेक्सस हो गया था, नवी है ना ना। बच्चों को पहुंचा के आ गई मैं, और ये कुछ सब्जी वगैरह मैंने मंगाया है नून से, क्योंकि मुझे नवनिया के लिए चिकन मंगाना था, फ्रेश चिकन, तो वो नीचे नहीं मिलता, वो नीचे फ्रोज़न मिलता है, तो साथ में चिकन, सिर्फ चिकन नहीं मंगाया मैंने, साथ में कुछ कुछ मंगा लिया, और वैसे भी नीचे बहुत ज़्यादा प्राइस रहता है, तो उस मुकाबले नून पे ही सस्ता था, तो मैंने मंगा लिया कुछ कुछ चीज़ें, साथ में चिकन भी मंगाया है ये। जैसे नीचे ये ड्रम स्टिक वगैरह नहीं मिलती है तो इसलिए ये मंगा लिया, और अच्छा कोरिएंडर फ्री मिला है, ये मैंने ऑर्डर भी नहीं किया था, वैसे कोरिएंडर है मेरे पास, और अनिमेश पॉक पे जाते थे तो ये लेके आते थे, तो अभी तो वो है नहीं यहाँ पे, तो ये मंगाया सांभर के लिए, टमाटो वगैरह सब मंगा लिया है, बैगन आलू छोटे छोटे आ गए, प्याज। एक्चुअली कल रात में मैं नवनियम तीनों सो रहे थे ना, तो ये यहाँ से बहुत आवाज़ आ रही थी, तो मैं तो नवनिया के रूम में थी, मैं वहीं पे सोती हूँ निया के पास, बहुत आवाज़ आ रही थी यहाँ से, ठक 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 ठक, तो समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कहाँ से आवाज़ आ रही है, बच्चे भी बोल रहे थे, मुझे लगा कि कहीं और से आ रही है, कहीं कोई ड्रिल वगैरह कर रहा है, बट इतनी रात में कौन ड्रिलिंग करेगा, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था। तो सुबह मुझे पता चला यहाँ से आ रही है आवाज़, जब मैं वॉशरूम गई तो यहाँ से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, रात में ना गर्मी भी हमें बहुत लग रही थी, तो मैंने कंप्लेंट डाला, तो आए वो लोग मेंटेनेंस वाले चेक करने, तो बोल रहे एसी का मोटर ख़राब हो गया, एसी काम नहीं कर रहा है, और 2 दिन के बाद मोटर आएगा, वो डालेंगे अभी ऑर्डर में, 2 दिन के बाद आएगा, सिर्फ फ़ैन काम कर रहा है, देखिए
जोर जोर से आवाज हो रही है और मोटर खराब है, तो मतलब इस गर्मी में हमें 2 दिन अभी ऐसे ही निकालना पड़ेगा बच्चों के साथ, मैं और दोनों बच्चे। ऐसे सोच लीजिए अभी मतलब इतनी गर्मी है, टेम्परेचर तो जो है मतलब ये फील लाइक 52-53 डिग्री सेल्सियस, उसमें बिना एसी के हम लोग कैसे रहेंगे। खाना तैयार है, चिकन नवनिया के लिए बिना मसाले वाली चिकन, सिर्फ वही दोनों खाते हैं, और मेरे लिए सांभर दोनों टाइम का। इतने ज्यादा पीसेस थे ना, उससे कम का ऑप्शन नहीं था, 450 ग्राम का था, बट वो स्किन वाला, मैं स्किन वाला नहीं लेती, कौन स्किन वगैरह हटाए, इसलिए ये स्किनलेस था तो इसी ले लिया। अनिमेश जब लेते हैं ना चिकन तो अपनी पसंद से लेते हैं, इसमें सारे मिक्स पीसेस थे, और वो जो लेके आते हैं तो वो वही पीसेस लेके आते जो नवनिया खाते हैं, तो वो बिल्कुल आंखें सामने जाते हैं, वो मतलब वही पीसेस वगैरह सब एकदम फ्रेश लेके आते हैं। वैसे तो ये भी फ्रेश थी, बस इसमें मिक्स है, सारे पीसेस वगैरह तो नहीं खाएंगे, बट भाई ये इतना ज्यादा थे, फ्रेश चिकन था तो सब बनाना पड़ा। मैं तो अपना ये सांभर खाऊंगी, मैं मटन तो मैं खाती नहीं, फिश भी बहुत कम, वो भी होम टाउन गई तो खा लेती हूँ, बहुत बोलती है मम्मी जी तो खा लेती हूँ, और चिकन मैं घर में बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बिल्कुल ही अब नहीं खाती हूँ। बाहर गए सतीश जी लोग अगर खाते हैं बोलते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं खाऊं, कुछ और आता तो और खाऊं, बट वो लोग के साथ जाती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ, बट घर में मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ है। और ये भी मैं सोचती हूँ कि मैं धीरे धीरे छोड़ी दूँ, जैसे मैंने मटन एकदम ही छोड़ा हुआ है, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने, मुझे लगता है 200 साल हो गए होंगे मैंने नहीं खाया, कितने साल से मुझे तो पता भी, टेस्ट भी मुझे याद नहीं है, बचपन में ही खाया था, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ ये भी मैं धीरे धीरे छोड़ दूँ, तो मेरे लिए यही सही है सांभर। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम लोग इंडिया जाने वाले हैं, तो इंडिया अनिमेश जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ मंदिर थोड़ा मैं क्लीन करके अच्छे से फिर से ऑर्गेनाइज करूंगी। वैसे तो पूरा अच्छे से ही ऑर्गेनाइज है, बट थोड़ा एक बार पूरा होता है ना डीप क्लीन, सारा सामान निकाल के वो करने का, तो वही मैं आज कर लूंगी, अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी फिर नवनिया को लाने का टाइम हो जाएगा, कल लेट हो गया तो शाम में ही करूंगी आरती के समय में, तो उससे पहले, क्योंकि वो लोग जब डांस क्लास जाएंगे ना तो उस समय मैं कर लूंगी। लेके आ गए स्कूल से दोनों को, और ये मेरे हाथ में पकड़ा दिया है, इन लोगों ने पता नहीं क्या बना के लाए हैं, आर्ट एग्जीबिशन से दोनों का है। अच्छा ये क्या है, ये क्या बनाए हो? घर बनाए हो? ये मेरी है। अच्छा ये बना के लाए? फर्नीचर को कलर किया है, वी कलर दिस फर्नीचर एंड वी देन वी स्टिक इट, दिस इज माय एक्चुअली, ओके, अदर वन इज माय। ये तो एलवी का कर्टन है, लुई विटन का, वाह, एंड वी गॉट क्ले डो, नाइस। चलो चेंज योर यूनिफॉर्म। सो गाइज, नवनिया आने के बाद खाना पीना खा के चले गए डांस क्लास, और मैं एक्चुअली आज मंदिर साफ करने का सोच रही थी, बट वही है कि मेरी नज़र इन सारी चीज़ों पर पड़ गई। ये एक्चुअली पैकेट में था ना, अभी मैंने सोचा कि मुझे जाना है इंडिया, तो मैं देखती हूँ क्या सारी चीज़ें सब निकालती हूँ, फिर एक साथ तो अरेंज करना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये सब उस पैकेट में, मतलब ऐसे पैकेट में मैंने रख के ना उस बॉक्स में रखा था जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि नेल रिमूवर गिर के मेरा सारा मेकअप का सामान ख़राब हो गया था। तो देखिए ये पैकेट के अंदर था, फिर भी इस पर देखिए कैसा असर पड़ा, ये आप देख सकते हो इसके पर्ल के साथ क्या हुआ। देखिए ये लिटरली ऐसे पिघल गई है, ये देखिए पैकेट के अंदर होते हुए इसका ये हाल हुआ है। बहुत सारे स्टोन्स गिर गए थे, देखिए यहाँ से भी, इसमें भी बहुत गिरे हुए थे, वही मैं चिपका रही थी तब से बैठ के, मतलब इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई। अभी आपको ऐसे कैमरे पे नहीं पता चल रहा होगा, ये पर्ल तो दिख रहा है इसका कि कैसा हो गया ये देखिए, बट ऐसे सामने से देखने से ना ये अजीब टाइप का हो गया है, ये सब सबसे ना शाइन चली गई है, मतलब ये अलग ही दिख रहा है जैसे कि इस पे क्या गिर गया हो। और ये मैंने पहना भी नहीं, एक या दो बार पहना, वो भी मैंने इसके सेट का पहना, ये तो शायद ही पहना होगा, फिर भी ये पूरा ही खराब हो गया है, तो अभी क्या कर सकते हैं, ये एक परेशानी हो गई है, तो मूड एकदम ऑफ हो गया है मेरा, और वैसे भी शाम हो गई है, तो मैं अब कल ही क्लीनिंग वगैरह करूँगी या फिर देखती हूँ, और ये सब पहले कर लूँ, थोड़ा घर भी मेरा अस्त व्यस्त है क्योंकि चीज़ें मैंने निकाली है सब अंदर से, इसमें से तो फिलहाल मैंने ये निकाल दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया है, अभी ऐसे ही रहेगी ये, क्योंकि ये कैसे, ये लगा के छोड़ भी तो नहीं सकती थी, देखिए कैसा लग रहा है ये,
सभी मेरा ख़राब हो गया, मेरा बहुत नुकसान हुआ था उस ट्रिप में, इतने मेकअप के प्रोडक्ट्स ख़राब हो गए, इतना नुकसान हुआ था मेरा। ये वाटरमेलन ना बड़ा आ गया था। नबनिया तो थोड़ा बहुत ही खाते हैं, बाकी मैं खाती हूँ किसी दिन, किसी दिन नहीं खाती तो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आज जो भी बचा हुआ था मैंने ले लिया। और नबनिया को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है रसगुल्ला, तो उनके लिए निकाला भी, डांस क्लास से आएंगे तो रसगुल्ला खाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद है ये, और गुलाब जामुन भी। आ गए ये लोग डांस क्लास से। गाइस सी दिस आइस क्यूब, आई गॉट दिस फर्स्ट टाइम विद माय फ्रेंड, शी वाज वेरी गुड फ्रेंड एंड शी इज माय फ्रेंड नाउ, शी गेव मी दिस। व्हाट्स हर नेम? लियाना। Actually, my friend also has ice cube, pink color. Okay. It's pink and this is orange. So guys, मैंने शाम में आपको बोला था मैं मंदिर अच्छे से डीप क्लीन कर लूंगी, लेकिन अभी मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं एक एक अच्छे से करना चाहती हूँ और वहाँ पे थोड़ा कुछ कुछ सामान भी रखूंगी, तो मैं कल सुबह में जब ये लोग स्कूल चले जाएंगे तो उसके बाद कर लूंगी। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारी चीजें ऐसे ही है, तो ये सब मैंने अभी फैला के रखा हुआ है, ये मैंने थोड़ी देर पहले हाथ लगाया था, वही सब जो मैं निकाल रही थी, सारी चीजें अरेंज कर रही थी, तो पूरा फैला हुआ है, नीचे भी है सामान सब, तो पहले मैं ये सब ठीक कर दूं, नहीं तो ये रह जाएगा, तो ये सब मैं अभी कर देती हूँ, वो मैं कल कर लूंगी। और आज की वीडियो में यही पेंट करती हूँ, और तो कुछ है नहीं, और बस ऐसे ही चल रहा है, मैं नवनिया हम तीनों, हमारा यही रूटीन चल रहा है ऐसे ही है, और तो कुछ एक्टिविटीज भी करने के लिए नहीं है, बस जो डेली का लाइफ होता है, डेली की रूटीन होती है, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बस आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे इसलिए वीडियो भी डाल रही, तो ज़्यादा लंबा गैप हो जाता, तो इसलिए छोटी सी वीडियो डाल रही। चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।